मॉर्निंग गाइज, वेलकम बैक टू आर न्यू ब्लॉग। और अभी बज रहे हैं 10:15 एंड अभी मम्मी के रूम में बैठी हूँ और अभी ब्रेकफास्ट कर चुकी हूँ एंड अभी मैं पी रही हूँ कॉफ़ी। इसके बाद हम लोग आज जो मैंने आपको कल सामान दिखाया था वही, जो मतलब जैसे हमारे जो बंदर वाल थी वो इनकम्प्लीट है, जैसे ये था वो चीज़। मैंने बोला था ना कि कुछ भी हैंगिंग में हमने अभी कुछ ऐसे ही लगा दिया, लेकिन जब हमने प्रॉपर तरीके से देखी बंदरवाल तो ये चीज़ ना उतनी लुक में आ नहीं रही थी। तो इसकी जगह मैं जो बेल्स लेकर आई थी वो बेल्स अभी इनमें टाई अप करनी है, तो मैं सोचती कॉफ़ी पी लूँ उसके बाद मैं ये जो बेल्स वगैरह है फिर मैं टाई अप करूँगी। और क्योंकि सारी बंदरवाल में हमने यही चीज़ लटकाई थी और वो उतना लुक नहीं दे पा रही थी, तो अभी आज हमें कोशिश ये करेंगे कि हम इसके अलावा और भी काम कर लें, क्योंकि हम लोग टाइम से पहले बैठ गए हैं आज इसी वजह से, क्योंकि 1 बजे तक हमें अपना वर्क फिनिश करना होता है। तो मैं पहले बस कॉफ़ी निपटाती हूँ एंड देन मैं इसका ये वर्क जो है ये अपना कंप्लीट करती हूँ। गाइस, मम्मी ने तो वर्क स्टार्ट भी कर दिया है, मैं बस कॉफ़ी फिनिश करके अभी बैठूँगी। गाइस, अब मैं भी स्टार्ट करती हूँ, मम्मी ने फटाफट स्टार्ट कर दिया है। बस ये है, मम्मी और मैं लग जाते हैं तो थोड़ा सा काम बहुत जल्दी जल्दी निपटता है, वरना अकेले तो किसी के बस का नहीं है। फिलहाल तो मैं बनाने जा रही हूँ पोशाकों, ये जो हमारी भगवान जी की पोशाकें होती हैं ना, उनको जैसे हमने उतार दी फिर उसके बाद उसको कैसे रीयूज़ करा जाता है। मोस्टली मेरे घर में क्या होता है, मेरे घर में ये होता है जितनी भी भगवान की पोशाकें होती हैं वो एक बार उन्होंने पहनी उसके बाद वो उठ के रख गए, तो मेरे घर में भंडार है बिल्कुल। आप सोचो कितने ज़माने से पोशाकें आ रही हैं और उन पोशाकों को फिर उठा के रख दिया जाता है, उनको हम दोबारा नहीं पहनाते, तो मेरे पास भंडार है उन पोशाकों का। तो आज मैं उन पोशाकों की हेल्प से बनाती हूँ हैंगिंग्स, जैसे बंदर वाल एक तो होती है चौखट पे लगने वाली और एक होती है जो हमारी वॉल पे हम लोग हैंग करते हैं ऐसे ऐसे करके, जो आपने देखा होगा बहुत, उसमें चिड़िए हाथी वगैरह। तो हम आज जो यूज़ करेंगे वो हम करेंगे पोशाकों का, मोती का, आप कुछ भी चीज़ उसमें जो भी आपके पास वेस्ट मटेरियल है। मैंने टोटल वेस्ट मटेरियल निकाला है पोशाकें, एक सिर्फ पॉम खरीद के लेकर आई मैं एंड एक मैं गोटा पत्ती के खरीद के लेकर आई और एक बेल्स खरीद के लाई, बाकी सारा मेरा वेस्ट मटेरियल है। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं। ये हैंगिंग्स बनाने के लिए चाहिए हमें ये पोशाकें, ये मैंने पुरानी पोशाकें ली हैं जो कि जो भगवान की उतरी हुई पोशाकें होती हैं, मैंने ये वो वाली पोशाकें ली हैं। आप किसी भी, आपके पास कोई भी पोशाकें हो तो आप उनको ले सकते हो, ये मेरे पास एक सी पोशाक है, जो कलर है मतलब जो इनका पैटर्न है वो सेम है, तो ये मेरे पास एक सी पोशाकें हैं, मेरी पुरानी पोशाकें हैं सारे। देन ये इस टाइप के पॉम पॉम्स लिए हैं मैंने, आप कोई भी कलर ले सकते हो, मैंने सिर्फ रेड लिया है। देन ये गोटा पत्ती के फूल लिए हैं मैंने, ये आप भी ये गोटा पत्ती के फूल यूज़ कर सकते हैं, मोस्ट यूजेबल एंड जिसके बिना सब कुछ अधूरा है वो थ्रेड एंड निडल। आप थ्रेड एंड निडल में मैंने ये बड़ी वाली सुई ले रखी है और कुछ मोती, आपके पास जो भी मोती पड़े हैं आप वो मोती ले सकते हैं। तो सबसे पहले वन मोर थिंग, जो हमारी बेल्स होती हैं वो बेल्स, आप बेल्स मतलब बेल्स जो है वो आपके साथ जो है वो ऑप्शन में है, आप चाहो तो हैंग करने के लिए उसमें फ्लावर वगैरह कुछ भी, बैंगल्स भी लगा सकते हैं, फ्लावर भी लगा सकते हैं, या फिर जैसे कि हमारे कार्ड्स में नीचे छोटे छोटे वो आते हैं लकड़ी के बने हुए आते हैं हमारे पास, राधा कृष्ण कुछ भी आप हैंग करने के लिए लगा सकते हैं। तो मैंने जो लिया है किचन में और पहले आटा मलूंगी, देखो परात निकाली है, आटा मलूंगी उसके बाद मुझे रोटी सेकनी है क्योंकि लंच टाइम हो चुका है और हम लोगों ने अभी बंदरवाल नहीं
हैंगिंग्स बनाई हैं, तो मैं बस पहले खाना सेक लूँ, खाना सेकने के बाद मैं आपको हैंगिंग्स दिखाऊंगी अपनी। अभी चल रहा है लंच टाइम और गोलू लंच कर रहे हैं और मम्मी फ्रूट्स काट रही हैं अपने बालक के लिए। नानी भी लंच कर चुकी है। नानी लंच कर लिया आपने? अब मैं लंच करूंगी तो मैं अरे क्या नहीं करूँ लंच में। तो गाइस आज बनी है अरहर की दाल। अरहर की दाल के साथ मैं खा रही हूँ प्याज। बता बता नहीं तो लग रहा होगा तुम्हें। साल टाइम हो रहा है 4 एंड बारिश हो रही है, तो बच्चों का फोन आया है कि अभी हम लोग नहीं आ पाएंगे, हम लोग थोड़ा सा लेट आएंगे एंड गोलू ये कर रहा है सॉल्व। फिलहाल तो अभी मैं गोलू को पढ़ा रही हूँ क्योंकि ना एग्ज़ाम आने वाले हैं। तो आज मैंने मोरल साइंस गोलू को दी थी लर्न करने का, तो अभी मैं मोरल साइंस गोलू से सुनती हूँ चैप्टर 6। अभी टाइम है 4:25 एंड मेरे बच्चों का टाइम हो गया है। बारिश हो रही है, मौसम अच्छा हो रहा है काफ़ी, और जो है बच्चे थोड़ा सा लेट आए क्योंकि एक तो अभी वायरल फीवर से रिकवर होकर आज आई है, तो मैं भी नहीं चाहती थी मेरा बच्चा बारिश में भीगे। तो बैच थोड़ा सा आधा घंटा लेट स्टार्ट हुआ। तुम तो घर में मेरे पास थे ना, तो बस अभी मैं ड्राइंग रूम में बैठी हुई हूँ और बच्चों को अभी मैं पढ़ाती हूँ। अभी लोग रिवाइज वगैरह कर रहे हैं, तो रिवाइज करने के बाद कल इनका जो एग्ज़ाम है वो कंप्यूटर का एग्ज़ाम है। तो होता क्या है, जितना भी होता है वो सब सुनना सुनना होता ही होता है, तो अभी ये लोग रिवाइज कर लें फिर मैं सुनती हूँ। एंड गोलू को भी मैंने अभी आज 6 पे बिठा लिया है क्योंकि गोलू को नहीं पढ़ा पाई थी थोड़ा सा, तो यहाँ पे इन बच्चों के साथ ये भी ना रेगुलरली पढ़ लेता है अच्छे से। तो फिलहाल मैं बैच लगाती हूँ, फिर मैं सोची थोड़ी देर में कॉफ़ी बना। तो गाइस कॉफ़ी मेरी रेडी हो चुकी है। काफी लवर जैसे कि मौसम बहुत ज्यादा अच्छा है, तो मैंने और गोलू ने मशरूम ऑर्डर करे। डिलीशियस। तुम्हें छोड़ना है थोड़ा सा, बस वो छोड़ देना। अभी क्या खाना है? मुझे गिनती के सिर्फ 2 मशरूम के पीस मिले, इसे मशरूम बहुत पसंद है। अभी बहुत थक चुकी हूँ और ये देखो एक्चुअली इसको अपनी वीडियो बनानी है, फ्री फायर की वीडियो बनाती है, तो ये अपना सेटअप कर रहा था। मैं कहा मैं 1 सेकेंड शूट कर लूँ, तो इसने कहा 1 सेकेंड। तो गाइस फिलहाल मैं बहुत थक चुकी हूँ एंड अभी ना 7:15 बज रहे हैं। बोलो तो मुझे 8:45 उठाओगे? आधा घंटे तो सोऊंगी ना सोऊंगी। तो गाइस मैं जो हूँ अभी आधा घंटे को सो रही हूँ क्योंकि ना दिन भर में मेरी सफाई तो हो नहीं पाती है। एंड जैसे मैं मतलब जो मैं एक तरीके से होता है ना कि आपने तो एक होता है ना कि आपने अपने शो प्लान कर रखा होता, तो मुझे ना पीछे अपनी स्टोर की अलमारी साफ करनी है। आपको ऑटोग्राफ मिल सकता है ना, तो जो है मैं अपनी पीछे की अलमारियाँ साफ करूंगी, उससे पहले से अपनी वीडियो बनानी है, अपनी फ्री फायर की वीडियो। ये भी फ्री फायर की वीडियो बनाता है मेरी गुड़िया, तो ये वीडियो बनाएगा और मैं आधा घंटे को सोऊंगी। 7:15 बजे 8:30 उठा देगा तू मेरे को, ठीक है? नहीं 8 बजे नहीं, 8:45 उठाना बेटा, फिर मुझे पढ़ाना भी है। मतलब 7:45 पे, ठीक है? फिर मुझे पढ़ाना भी है, तो 15-20 मिनट तो अलमारी साफ करने में भी लगेंगे, है ना? कितने बजे पढ़ाओगी? 8 बजे। मैं 8:15 बजे लेके बैठ जाऊँगी। ओके, तो गाइस फिलहाल मैं सोती हूँ। तो गाइस अभी फिलहाल तो मैं सोकर उठ चुकी हूँ और ना मतलब ऐसा लग रहा था उठने का मन नहीं करता, ऐसा मतलब हाथों पैरों में इतना दर्द हो रहा है ना कि वही ना हम लोग ऐसे काम करते हैं, तो वही हाथों में दर्द, सारे हाथ में बहुत दर्द हो रहा था। एंड अगेन मुझे इसे पढ़ाना है क्योंकि इसके 24 से एग्जाम्स हैं, तो इसे पढ़ाना है। लेकिन पढ़ने वाला भी था एक मैजिक दी का आ गया। तो गाइस अभी इसे पढ़ा दो मैं। तो गाइस इसे समझाओ, ये हाथ पे लिखना क्या अच्छी बात है? ये हाथ इस तरीके से चीता पोती कोई अच्छा तरीका है? ये मैंने अपने नाम लिखा है चीता पोती नहीं। अभी बज रहे हैं 11:15 एंड दूसरे चैनल का शूट करके चुकी थी, उसमें थोड़ा सा वो आप देखना खुद ही, मैं कुछ नहीं बताऊंगी। वन मोर थिंग, आज मेरा एक पार्सल आया है और वो है लैक्मे एब्सोल्यूट का,
बॉटल में इतनी शाइनिंग है कि इतना शाइन कर रही है ये। तो ये लैक्मे एब्सोल्यूट का मेरा आर्गन ऑयल रेडियंस सीरम आया है, एंड आप यकीन नहीं मानेंगे ये सीरम मतलब अमेजिंग है। और इसकी MRP है 800 रुपीज़। 800 का सीरम है ये। लैक्मे के प्रोडक्ट्स काफ़ी प्रेफर करती हूँ मैं और यूज़ भी करती हूँ। मोस्टली प्रोडक्ट मैं लैक्मे का ही यूज़ करती हूँ। कुछ ही चीज़ें हैं जो मैं अलग ब्रांड वगैरह की यूज़ करती हूँ। तो गाइस ये सीरम काफ़ी अच्छा है, मैं इसको अब से नहीं बहुत टाइम से मैं इसको यूज़ कर रही हूँ। और ये मुझे सेल में मिला, इमेजिन नहीं करोगे, सेल में मेरे को मिला है ओनली 70 रुपीज़ का, 90% से भी ज़्यादा डिस्काउंट था। तो मुझे नहीं पता मेरे हनी ने मुझे कब मार दिया इसको ऑर्डर उन्होंने देखा, क्योंकि इसकी ये बॉटल वो देखते हैं कि मैं ख़रीद कर लेकर आती हूँ, और फिर उसके बाद उन्होंने देखा इस पर सेल आ रही है और सिर्फ 70 रुपीज़ का है, तो उन्होंने फटाफट से ऑर्डर कर दिया। अगर इस टाइप की चीज़ें आपको भी लगे तो गाइस आप ही चुपा मत करो। तो आज सिर्फ मेरा एक यही पार्सल आया, इस टाइम पार्सल्स पे रोक लग गई है। तो गाइस गोलू अम्मा के कमरे हैं, अभी तक पढ़ रहा था, हिंदी की रीडिंग वगैरह कर रहा था, एंड हनी सो चुके हैं क्योंकि हनी आज बाहर गए हुए थे और बस शाम को काफ़ी लेट आए थे, 8:30 मतलब दोपहर में चले गए थे ये लोग, आफ्टर लंच चले गए थे एंड आए हैं ये 8:30 बल्कि उसके बाद ही आए हैं, और हनी इतना थक गए थे और आते ही सो गए। तो गाइज आज के लिए सिर्फ इतना ही। वन मोर थिंग गाइज, नैना अग्रवाल क्रिएशन पर आप वीडियो जाके देखो, मुझे लगता है मतलब मुझे पर्सनली लगता है कि आपको ज़रूर पसंद आएगी वीडियो, क्योंकि मतलब वो जो हैंगिंग है वो इतना सुंदर बनाया और लग ही नहीं रहा कि वो हमने पोशाकों का यूज़ करके मतलब बनाया है पोशाक, क्योंकि पोशाक पहले इतनी अट्रैक्टिव होती है ना, गोटा वगैरह का इतना वर्क होता है उन पर और इतना अच्छा सा वर्क होता है सितारों वगैरह का, तो वो पहली बहुत सुंदर लगती हैं, ऊपर से उसको इस तरीके से पिरो दिया गया तो वो और ज़्यादा सुंदर लगी हैं। तो गाइज आई होप अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ कमेंट जरूर करके ज़रूर बताना मेरे को। तो गाइज आज के लिए सिर्फ इतना ही, टिल देन टेक केयर, डू मोर शेयर, डू मोर लाइक्स, अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल विच इज़ नैना अग्रवाल व्लॉग्स। मिलते हैं कल के व्लॉग में किसी और चीज़ के साथ, बाय बाय। सो गाइज अब फाइनली मैं तो स्कूल जा चुका हूँ और यहाँ पर अम्मा, जब मैं आया स्कूल से तो अम्मा ये बना रही थी।